पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। हेलो डॉक्टर, हेलो राजेश वागले बात कर रहा हूँ। वंदना वागले का कल पेट स्कैन हुआ था। या टेल मी। हाँ, तो उसने अभी कुछ खाया, आई थिंक हाँ सैंडविच खाया, एक बाइट लिया तो यू नो शी थ्रू अप, वॉमिटिंग हुई उसे। रात को खाना कितने बजे खाए थे? करीब 10 बजे। ओह, शायद एसिडिटी हो गई है। नथिंग टू वरी। अरे नथिंग टू वरी, डॉक्टर ब्रोशर में लिखा है कि यू नो ऑल पॉसिबल साइड इफेक्ट्स मेंशन करने पड़ते हैं मिस्टर वागले। उन्हें एक एंटासिड दे दीजिए, दोपहर तक डिस्कम्फर्ट नहीं जाए तो कॉल कर दीजिए। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। डॉक्टर ने क्या बोला? स्ट्रेस मत लीजिए, एंटासिड दे दीजिए, बस। कितना स्ट्रेस लेते हो राज। अरे लेकिन पूछने में अर्थ क्या है? एक मिनट बैठ जाओ। नीचे सिट। लो। सब कुछ ने सैंडविच की वजह से हुआ है, फेंक देता हूं मैं। राज, सैंडविच के एक ब्रेड ने दूसरे ब्रेड से क्या कहा? सैंडविच के एक ब्रेड ने दूसरे ब्रेड से क्या कहा? आई लव यू। क्या नहीं समझे? लोफ ब्रेड, आई लव यू राजेश बाबू, आई लव यू। समझा। I love you. Hey, Bantar, किधर है तू? ये आ गया बाबा रूलानंद। क्या क्या हुआ? क्या इतना आग बबूला होके आ रहा है? क्या हुआ? तू अपने किराएदार को बोल कि अभी तेरा घर खाली करे। क्यों, तुझे जाना है उधर रहने? यामिनी अभी ने फिर से घर से निकाल दिया क्या? हाँ तो, अरे इससे तो बात करना ही बेकार है। तो क्यों करते हैं? हाँ तो जो ज्योति भाभी, आपके पति और सोसाइटी के चेयरमैन ने सोसाइटी का बहुत बड़ा रूल तोड़ा है। राम जी, कौन सा रूल तोड़ा आपने हर्षद? मेरे को क्या मालूम। एक किराएदार को उसका बैकग्राउंड चेक किए बिना घर देने का रूल। वो रंजीत यहाँ कुछ दिनों के लिए नहीं बल्कि 1 महीने के लिए किराए पर रहने के लिए आया है। अरे तू चाहता क्या है? तो क्या हुआ उसमें? तू क्या चाहता है? मैं बस इतना चाहता हूँ कि सबसे पहले हमारी कमेटी उस रंजीत का इंटरव्यू लेगी, उसका बैकग्राउंड चेक करेगी, थोड़ा रिसर्च, थोड़ा एनालिसिस करेगी, उसके बाद तय करेगी कि वो रंजीत हमारी महान सोनी दर्शन हाइट सोसाइटी में रहने लायक है भी या नहीं। दक्षिश भैया, वो एक्टर है। एक्टर? रियली? हाँ, अमोल पालेकर जैसे, है ना अर्शद? अरे वो एक्टर नहीं है। अरे आपने बोला ना अभी। चुप रहना। और तू? अरे ये बहाने बहाने झलर के, जलता है हमारे से, जलता है। वो सर थार गया ना, इसलिए ये सब तुच्छी हरकतें करके मुझे नीचा दिखाना चाहता है झलर। ए बंटर मुंगो मर, मैं टुच्चा इंसान नहीं हूँ। और सवाल हमारी शर्त का नहीं बल्कि हमारी महान सोनी दर्शन हाइट सोसाइटी की सिक्योरिटी का है। ओ। अरे वो रंजीत क्रिमिनल निकला तो अपने फ्लैट में बैठ कर इलीगल एक्टिविटी कर रहा हो तो आप लिफाफा लौटा दीजिए। जो यो? अरे क्या लिफाफा लौटा दीजिए? क्यों लौटा दूं? हैं? और तू? अबे तू क्या रे? सबको एक ही नजर से देखता है, शक भरी निगाहों से देखते रहता है, हैं? तू रंजीत भाई के बारे में क्या जानता है? क्या जानता है उनको? कितना अच्छा और सज्जन इंसान है पता है तुझे? अरे पंटर पर बैकग्राउंड चेक करने में। दक्षिश भैया थैंक यू। अर्शद अग्रवाल का घर यही है जी। क्या बात है? पुलिस, हमने कोई पासपोर्ट रिन्यू नहीं करवाया। ए पंडर, पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए 3-3 पुलिस वाले नहीं आते, जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। आप हर्षद अग्रवाल हैं? हाँ मैं हूँ। इस फ्लैट के अलावा इस बिल्डिंग में आपका कोई दूसरा फ्लैट भी है? हाँ है ना, क्यों क्या क्या हुआ? आप इस आदमी को जानते हैं? मैंने अपने फ्लैट के लिए किराएदार ढूंढ लिया है। ढूंढ लिया? कैसे? मैंने ढूंढा। अर्शद अग्रवाल का बिल्डिंग यही है।
ब्रो क्या हुआ? तू तो कभी स्पोर्ट्स पीरियड मिस नहीं करता ना? मन नहीं कर रहा। तू अपनी मम्मी की हेल्थ को लेकर परेशान है ना? मेरे मम्मी पापा भी नहीं बता रहे कि आंटी को हुआ क्या, और तू भी नहीं बता रहा। शी इज फाइन। तो उनको बार बार डॉक्टर के पास क्यों ले जाया जा रहा है? शी इज फाइन। तो वो मनोज काका की शादी में वो बेहोश? अरे मैंने कहा ना, शी इज फाइन। चिल ब्रो, तू गुस्सा क्यों हो रहा है? ब्रो तू ठीक तो है ना? मम्मी को कैंसर है। आइए सर, ये आइए। ये है इस हर्षद अग्रवाल का दूसरा घर। घर का एक एक कोना छान मार, कोई भी एविडेंस मिले उसे अपने पास रख लो। जी साहब। एविडेंस? सब ठीक तो है ना इंस्पेक्टर साहब? रंजीत को यहाँ आए कितना टाइम हुआ है? बस अभी कुछ टाइम पहले ही आया है वो यहाँ पर। इंस्पेक्टर साहब आप बताइए तो सही, आखिर बात क्या है? सब पता चल जाएगा। अर्शद अग्रवाल, तुम रंजीत को कैसे जानते हो? नहीं वैसे पर्सनली तो मैं नहीं जानता उन्हें। क्या ये घर किराए पे चढ़ाना था ना? ओ मंगेश के जरिए मिला मैं रंजीत भाई से। रंजीत भाई? हाँ। मंगेश को फोन करो, उसे फटाफट यहाँ पे बुलाओ, जल्दी। हाँ अभी करता हूँ। जल्दी पंडर, जल्दी फोन लगा। The number you are trying to call is currently switched off. वो स्विच ऑफ आ रहा है झालर का। फिर ट्राई करो। हाँ मैं करता हूँ सर। ये देखिए सर, ये लगभग 5 लाख रुपए लग रहा है जिसकी इंफॉर्मेशन हमको मिली थी। फोटो क्लिक करो, इसका एविडेंस में काम आएगा। जोशी अरेस्ट करो इसे। इंस्पेक्टर साहब मैं सही बोल रहा हूँ, मैं तो जानता भी नहीं था कि रंजीत के पास इतना सारा कैश है। मैं सही बता रहा हूँ मैम। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, आप मेरे मुवक्किल को मेरे काबिल दोस्त को इस तरह गिरफ्तार नहीं कर सकते। आखिर बताइए तो सही, इसका जुर्म क्या है? जुर्म? बहुत बड़ा जुर्म किया है तुम्हारे दोस्त ने। इसने एक ऐसे आदमी को पनाह दी जिसने पुणे के एक बैंक में डाका डाला है। और मुझे पक्का यकीन है कि तुम्हारा यह दोस्त रंजीत का पार्टनर है। इंस्पेक्टर साहब मैं कसम खा के बोलता हूँ, ये सच नहीं है। मैं किसी का पार्टनर नहीं हूँ। अच्छा, ये सही नहीं? नहीं है। बिना किसी बैकग्राउंड चेक किए हुए किसी अनजान आदमी को अपने घर में कैसे रख सकते हो तुम? जोयू, मैं तुझे बोल रहा था पंटर, लेकिन नहीं, मेरी बात नहीं सुननी। अब जो इंस्पेक्टर साहब देखिए, इससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ये वो इसकी भाषा में बोले तो झालर है। आप इसे माफ कर दीजिए, प्लीज माफ कर दीजिए। सॉरी गलती हो गई, मैं सच बता रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब, वो मेरा सिर्फ किराएदार है, मैं उसका पार्टनर नहीं हूँ। मैं सच ही बता रहा हूँ। अच्छा तो मैं कैसे मान लूँ? ना वो किसी ऐप के जरिए ना किसी वेबसाइट से तुम्हारे घर पे आया जिसे ये साबित हो कि वो सिर्फ एक किराएदार है। अरे मैं अपनी बीवी की कसम खा के कहता हूँ, बस मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है इंस्पेक्टर साहब। हाँ ये उसने एडवांस के तौर पे 10,000 रुपए दिए थे, ये बस बाकी। सर इस बंडल के सीरियल नंबर और चोरी किए गए नोटों के नंबर मैच कर रहे हैं सर। ओह माय गॉड, मैं क्या करूं, मैंने कुछ नहीं किया। केस तो अब बन रहा है। केस? एक मिनट, किस बात का केस? रंजीत पुणे के बैंक से चोरी करके मुंबई आया
और अपने पार्टनर के घर पे छुपा और उसके पार्टनर हर्षद अग्रवाल के घर से चोरी किए हुए पैसे बरामद हुए जो चोरी किए हुए पैसे के सीरियल नंबर से मैच करते हैं। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।